हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेज जयपुरी। इसके लिए मैंने लिया है थोड़े से काजू और लाल मिर्च, जिसको गर्म पानी में भिगो दिया है। और एक कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, जीरा और तेज पत्ता। फिर मैंने डाले हैं बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़े स्लाइस करे हुए प्याज और शिमला मिर्च। मसालों में मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी का पाउडर। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट। और फिर जो हमने काजू और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है वो मैंने डाल दिया है, और 2 चम्मच दही। ये सब डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर भी आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब आपका पूरा मसाला पक जाए तो हम इसमें फिर डालेंगे अपनी स्टीम करी हुई वेजिटेबल्स। तो आप चाहें तो वेजिटेबल्स को स्टीम भी कर सकते हैं या बॉईल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डाल लें, जो भी आपको खाना पसंद है या जो भी आपके घर में खाते हैं। और इसे ढक के थोड़ी देर पका लीजिए। थोड़ा पानी भी डाल दीजिए ताकि आप उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकें, लाइक आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उसमें, उस हिसाब से आप थोड़ा पानी डाल के इसको पका लीजिए। और जब सब्ज़ी तैयार हो जाए तो फिर मैंने इसमें डाली है घर की थोड़ी सी मलाई, ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो डालें। और फिर इसमें थोड़े से पनीर भी आप डाल दीजिए, थोड़ी रिचनेस आ जाती है सब्ज़ी में। और इसको डाल के थोड़ी 2 ही मिनट पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं। और फिर डालें इसमें कटा हुआ हरा धनिया। और तैयार है खाने के लिए चावल, रोटी, किसी के भी साथ खाइए इसे।